हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस, प्लेस वेयर यू गेट अ फ्री कोचिंग फॉर ऑल टाइम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, एग्ज़ाम सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप फ्री कोचिंग, फ्री प्रिपरेशन टिप्स, टेक्निक प्राप्त करते हो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और सरकारी जॉब्स के लिए। फ्रेंड्स, वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड and few people are saying that like they didn't understand this, they didn't understand that, and they have some confusion. So my only request to those people is to please have a patience and watch full video, because many a time people, what they do, they just skip a video and watch hip hop manner. Because of that they miss important points and they raise those questions, those kind of questions which our team has already discussed in our video. So it is our request that please watch full video at least once, then you can raise your question if it is not discussed. ऐसा हो रहा है कि हमें आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। कुछ लोगों ने कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो कि ऑलरेडी हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। कई बार होता है कि लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जिसके कारण से वो मुख्य बिंदु मिस कर जाते हैं और इसी कारण वो फिर क्वेश्चन हमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसे फिर से समझाने में हमारी टीम को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप पूरे वीडियो को आराम से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, तो आप पूरे पॉइंट्स को समझ पाएंगे और शायद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे ये यूट्यूब है, आपने ओपन किया हमारा वीडियो, तो यहाँ पे ये देखो नीचे दिखेगा SKR वीडियो, ये हमारा चैनल है और यहाँ रेड कलर का ये सब्सक्राइब बटन है, आप इसे क्लिक कर दो, ये सब्सक्राइब हो गया। और यहाँ पे लाइक भी कर दो, ये लाइक भी हो जाएगा। और ये देखो एक घंटी ऐसा, ये नोटिफिकेशन, आप क्लिक करो तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है ना, नोटिफिकेशन अगर आप इसे सेव कर दो तो ये आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, हमने जो भी अपडेट किया है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप जो भी कमेंट्स है, आपके कुछ डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी है, ये यहाँ पे लिख डालो। ठीक है, हमारे जो टीम्स हैं, हमारे टीम मेंबर हैं, वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, हो क्या रहा है कि सारे लोग हमें पर्सनल मैसेजेस भेज रहे हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप इसे कमेंट ओपन बॉक्स में लिखोगे, ओपन कमेंट लिखोगे, तो हमारी टीम तो आपको सॉल्यूशन देगी ही देगी। इसके अलावा जो भी व्यूअर्स हैं, जैसे आप ये वीडियो देख लो, इसमें 236 व्यूअर्स आए हैं, तो इनमें से कोई और भी कुछ और भी अपना पॉइंट्स अगर उसमें ऐड करना चाहता है तो वो भी दे सकता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो चलो आज का हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट 5 वुमेन CM इन इंडिया, भारत में पहले 5 महिलाएं मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स, टुडे इज़ 8th मार्च। 8th मार्च मीन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे ये दिन मनाया जाता है। और ये भी एक प्रकार का GK है, आप याद रख लो, कई बारी कई सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट 5 वुमेन CM इन इंडिया। इंडिया में जो CMs बने थे, पहली 5 महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन अक्सरहा मेनी टाइम दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड इट्स रिपीटेड, आगे पूछता भी रहता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। वेरी फर्स्ट CM ऑफ इंडिया वाज सुचेता कृपलानी। यस, फर्स्ट वीमेन CM इन इंडिया वाज सुचेता कृपलानी। शी वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सर्विंग एज द हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 1963 टू 1967 फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। हाँ दोस्तों, सुचित्रा कृपलानी जी इंडिया की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश में 1963 से 1967 तक जिन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर रहीं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से थी। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड वुमेन CM ऑफ इंडिया वॉज नंदिनी सत्यपाथी। फ्रॉ शी वॉज CM इन 1972, 14th June 1972 शी बिकेम CM ऑफ उड़ीसा। दिस लेडी इज़ पॉपुलरली नोन एज आयरन लेडी ऑफ उड़ीसा। शी इज़ ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ उड़ीसा एंड शी इज़ द फर्स्ट CM ऑफ उड़ीसा। हाँ दोस्तों, नंदिनी सत्यपाथी ये भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं,
जो 1972 में उड़ीसा की सीएम बनी थी, और इनको आयरन लेडी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, और उड़ीसा की ये पहली महिला चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो भारत की दूसरी चीफ मिनिस्टर और उड़ीसा की पहली चीफ मिनिस्टर नंदिनी सत्यपाठी है। ओके, नेक्स्ट, द थर्ड वीमेन सीएम ऑफ इंडिया वॉज शशिकला काकोदकर। जी हाँ दोस्तों, भारत की तीसरी महिला मुख्यमंत्री शशिकला काकोदकर थी। वो गोवा की चीफ मिनिस्टर रहीं 12th अगस्त 1973 टू 27th अप्रैल 1979। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ वीमेन सीएम ऑफ इंडिया वॉज सईदा अनवर तैमूर। सईदा अनवर तैमूर भारत की चौथी महिला मुख्यमंत्री थी, जो 1980 में असम की पहली मुख्यमंत्री बनी थी कांग्रेस पार्टी से। सो सईदा अनवर तैमूर भारत की चौथी महिला मुख्यमंत्री थी और असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट इज द फिफ्थ, द लास्ट वन, जयललिता। मुझे नहीं लगता कि जयललिता के बारे में मुझे कुछ बताना पड़ेगा। ये तमिलनाडु की सीएम रह चुकी हैं और ये AIDMK पार्टी से थी, और हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा आप लोग जयललिता के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा फैक्ट जो GK है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, वो फाइंड आउट करो और ये कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखो। उसके बाद मैं फिर आपको और भी बहुत कुछ इसमें बताऊँगा। सो द फिफ्थ CM ऑफ इंडिया वॉज जयललिता। एज वी ऑल नो, शी इज़ वेरी पॉपुलर। अर्लियर शी वॉज एक्ट्रेस एंड लेटर ऑन शी टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिशियन एंड शी बिकेम अ CM ऑफ तमिलनाडु एंड शी वॉज फ्रॉम द पार्टी AIDMK। Okay, so this was all about today. So do not forget to subscribe from here. Thank you. Bye-bye. Take care.